वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन। इस वक्त कौन है? शाहिना शुभा है। कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी, हमारे साथ ये भी है और एक बाल साहब भी बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन आएगा तो हम, कोई भी आपको प्रॉब्लम है स्टोन से रेलेवेंट कि आपको कौन सा स्टोन चाहिए, तो वो भी आपको आंसर साथ साथ मिलता रहेगा। लेट्स सी, आज डिश क्या बन रही है शाहिना, वो बताओ। अच्छा जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे और मजे मजे के खाने बना रहे होंगे। और जैसे कि गर्मी बहुत है तो मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा लाइट रेसिपी है। ये अरबियन राइस है और अरबियन राइस। अच्छा, ये इसको हम इसके ऊपर कर दो ताकि ये सर क्लियर नजर आए ना। नहीं, इसके ऊपर रख दो, कोई मसला नहीं, इसको उसके ऊपर रख दो ना थोड़ी देर के लिए। यस, अब हमारे पास डिश जो है ये क्लियर नजर आए। चलो बताओ क्या क्या है। अरबियन राइस है हमारे पास। ओके, अरबियन राइस है, उसके साथ मैं चिकन शॉर्ट्स जो होते हैं वो मैं बनाऊंगी जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए। और वैसे भी अगर डिश का नाम है अरबियन राइस विद चिकन शॉर्ट्स। अरबियन राइस विद चिकन शॉर्ट, ऐसे ही ना जी। शॉर्ट्स क्यों? मतलब छोटे छोटे से होते हैं ना, कोई जरूरत से ज्यादा छोटे नहीं। अच्छा चलो बताओ। अच्छा, अरबियन राइस की सबसे पहले मैं बताती चल रहा आपको कि इसके जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं। और ये बहुत ही झटपट सी डिश है और अच्छा, बहुत जल्दी बन जाती है। और सबसे ज्यादा इसको जो है ना खाने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये नो स्पाइस होते हैं इसमें। और जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि बास टाइम वो ऑयल अवॉइड करते हैं, बास टाइम जो है वो क्या कहते हैं आप स्पाइसेस अवॉइड करते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छी डिश है। और अरबिक जो लोग हैं और जो वहाँ की जो कुजीन है उसमें उन्होंने ये करा हुआ है, अपनी कुजीन में होल स्पाइसेस को ऐड किया हुआ है। अच्छा। गरम मसाला को ऐड किया हुआ है और जो ये पिसी हुई लाल मिर्चें होती हैं और ये कुटी हुई क्रश चिलीज होती हैं, जो हमारा देसी तड़का वो है नहीं करते। वो इन्होंने वैसे ही शायद नहीं, गलत बात, मुझे बता देते हम भी कुछ अरबियन पहन के आ जाते, फिर कहते खूबसूरत वाइफ को मेरी अरबी कुछ ज्यादा ही खराब होगी। चलिए जी, शेख साहब क्या बनाया आज आपने, बताइए। यहाँ मैंने 250 में थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन करती चलूं। और यहाँ 250 ग्राम मेरे पास बासमती राइस मौजूद है और इन्होंने सोक किया 15 मिनट साफ बासमती राइस, और बाकी जो भी आपकी चावल की वो है उसके मुताबिक आप इसको सोक कर ले। अच्छा, एक चावलों की मैं बता दूं, इसमें दो रेसिपीज मेरे पास है तो मैं पहले चावलों की डिफाइन कर दूं। तो इसके अंदर सिर्फ जाएगा ये गरम मसाला, ओके, चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, और ये साबुत जो गरम मसाला मेरे पास मौजूद है जिसमें 2 से 3 अदद हरी इलायची मौजूद है, लौंगे मौजूद है 4, और 5 से 6 मेरे पास काली मिर्चें मौजूद है, और सॉल्ट। सिर्फ ये है अरबियन राइस के स्पाइस। वैसे शाही नहीं, मुझे समझ नहीं आती, एक तो आप ये जो चाइनीज और ये जिंजर पाउडर जरूर इस्तेमाल करते हो। असल में ये ना शेफ्स जब करते हैं, हम जब हमने सीखा है और हमने जब सब किया है, तो ये फ्लेवर को ना इनहेंस करने के लिए है। ठीक, तो हम इसको फ्लेवरिंग को इनहेंस करते हैं, क्योंकि अगर हम अरबियन राइस ना तो वो बिल्कुल ही, मैंने आपको बताया कितने मुख्तसर से इसमें स्पाइसेस यूज हो रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर। अच्छा ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल्दी बता दो, ये कौन से पीस है? ये पिसी हुई मिर्चें मेरे पास मौजूद है, यहाँ सॉल्ट मौजूद है, ये सारे चिकन शॉर्ट्स में जाएंगे। ठीक है, और ये कलर फूड जो है हम आखिर में अरबियन राइस में थोड़ा सा कलर देने के लिए करेंगे। अच्छा, ये चिकन मौजूद है, ये मेरे पास 100 ग्राम मौजूद है, और यहाँ मेरे पास ग्रीन चिलीज है, ये भी अरबियन राइस में। चलिए हम इसको फिर स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले जो है हम अपने चिकन शॉर्ट्स को मैरिनेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी देर मैरिनेट होंगे। ओके, अच्छा, यहाँ ये मेरे पास 100 ग्राम चिकन शॉर्ट्स मौजूद है। ठीक है, और सभी आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, मुझे अंडे बीट करते हैं, अंडे बीट कर दे। ओके लाइन जी। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने जो है ग्लैम गैस के स्टोव है और हम अच्छा भाई, तो मैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है भाई सर? जी मैं फवाद बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद। अच्छा जी फवाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप ठीक है? फर्स्ट क्लास प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी। भाई पूछे क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, मैं 2-3 ईयर से ना बाहर ट्रैवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अब्रॉड के लिए। जी जी, मेरा यानी वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मेरा आगे पेंडिंग है। अच्छा ओके,
अच्छा एक काम करें, मैं आपका जो मैं शिफ्ट कर रही हूँ आपको एक बाल भाई के पास, अब वो आपसे सवाल कर लेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप उनसे बात कर लीजिए ठीक है। इकबाल भाई बात कीजिएगा। अपना नाम तो आपने इन्फॉर्म कर दिया, अपनी वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्म कर दिया। मेरा नाम फवाद है जी जी, वालदा का नाम बंकीता बेगम है जी जी, और डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1993। इब्राहिम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है, उसमें डिले दर डिले हो रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है एक दफा इन्फॉर्म कर दें प्लीज। 14 अगस्त 1993। जी जी, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सिचुएशन ये है कि आपके जो स्टार की पोजीशन है वो माशाल्लाह काफी बेहतर है और आपके रास्ते में कोई हर्डल कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया मैंने काफी कोशिश की लेकिन मतलूबा ट्रेवल कर नहीं पाया, क्या वजह है? आपके जो स्टार का 9th और 10th हाउस है इसमें थोड़ी सी हर्डल्स प्रॉब्लम थी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगस्त या सितंबर तक ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आपका जो बर्थ स्टोन है वो विलियम्स फायर है, या आप 10 कैरेट का यूज करें चांदी की अंगूठी में, 11 वीक तक किसी भी वाइट चीज का सदका दें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ट्रैवल आप कर पाएंगे और जिस ट्रैवलिंग के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और जिस ट्रैवल से रिलेटेड जो मकासद आप अचीव करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और ये ट्रेवल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच करना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाजिर, आप देखिएगा सर शाहिना ने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए। अच्छा, चिकन शॉर्ट्स में मैंने तकरीबन हाफ कप के हाफ अंडा मैंने इसमें ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया ठीक है। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है ठीक है। पिंच ऑफ मैंने ओरिगानो लिया है, पिंच ऑफ गार्लिक पाउडर एंड 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है ओके ठीक है। पिंच ऑफ मैं इसमें ब्लैक पेपर ले रही हूँ जस्ट लाइक अ पिंच ऑफ ठीक, और पिंच ऑफ मैंने में व्हाइट पेपर लिया है यहाँ पर मैंने व्हाइट पेपर पिंच ऑफ लिया ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़े से की सॉसेस ऐड करूंगी, यहाँ मैंने तकरीबन 2-4 ड्रॉप्स मैंने ये सिरके के ऐड करे, विनेगर के ऐड करे, सोया सॉस में तकरीबन इसमें 1 टीस्पून ऐड करूंगी ओके। और वॉस्टर्ड शायर सॉस है मेरे पास, तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें ये ऐड करूंगी ठीक है। और यहाँ मेरे पास यहाँ मेरे पास हॉट सॉस मौजूद है ओके, तो मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून हॉट सॉस। बच्चे खुश हो जाए, जबरदस्त डिश बन रही है, बच्चों को बहुत ऐसी डिशेस पसंद है। असल में ये थोड़ा सा जिंगर का लुक भी देती है। अच्छा जी, फ्राइड तो फ्राइड तो बच्चे जो है ना वो ये खाने को तैयार हो जाएंगे, घर के देसी खाने खाने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अरबियन राइस के साथ देंगे तो ये बहुत हेल्दी रहेंगे ओके। ये हो गया, अब कंप्लीट इसको फिर क्या करना है? ये हमने यहाँ इसको मैरिनेट करके यहाँ मैंने इसे रख दिया ठीक है। नेक्स्ट क्या है? और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने राइस की तरफ ठीक है। और राइस के लिए मैंने तकरीबन इसमें ऑयल 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल यहाँ ऐड किया हुआ है ओके, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ठीक है। उसके बाद ये साबुत मेरे पास गरम मसाले जो मौजूद है यहाँ यहाँ 4 जो है वो लौंगे हैं मेरे पास ठीक है, और 2-3 मेरे पास ये सब इलायची है ओके, और ये काली मिर्च है ओके। ये इसके बेसिक स्पाइसेस हैं, ये यहाँ मैंने इसमें ऐड की है और इसको मैं थोड़ा सा गरम करूंगी, करना है थोड़ा उसको कर देना ठीक है जी। ग्लैम गैस थैंक्स फॉर होम अप्लायंसेस दी बेस्ट। अच्छा जी, तो यहाँ तकरीबन ये हल्का सा इसमें हमें गरम मसाले की स्मेल आ जाए और तो फिर हम जो है नेक्स्ट हम इसके अंदर और मजे चावल डालेंगे। अच्छा डायरेक्ट जैसे उस दिन बनाए थे जी जी, बहुत मजे के थे रियली। अच्छा यहाँ जो है ना ये सोक किए हुए थे मैंने, 250 ग्राम चावल थे मेरे पास, यहाँ मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। चावल मैंने पहले से वॉश करके रखे हुए थे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया जी। नाजिर आप देख रहे हैं अभी किस जबरदस्त स्टाइल में इन्होंने पहले तो ये इसको भी मैं वो करती रहूं ये मिक्स हो जाएगी। हाँ इसको आप कर ले और ये फिर मैरिनेट होता रहेगा जब तक जबरदस्त। आप इसको कोशिश कर 15-20 मिनट्स मैरिनेट कर दे, बट हमारे पास टाइम का इशू होता है तो हम इसको, लेकिन ये आप लोग रख सकते हैं घर में ना बना के जी। अच्छा ये फ्रोजन आइटम्स में भी आता है कि सम टाइम जो है ये फ्रोजन डिश है जो हम फ्रोजन आइटम्स लेते हैं मार्केट से लेते हैं बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, तो आप इस तरह से मैं ये बना के आपको बताऊंगी, तो आप इसको जो है ना एक ट्रे में लेके इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट स्टार्ट क्या है फिर हम लोग अपने? अच्छा यहाँ हमने राइस डाल दिए ठीक है, अब हम जो इसमें बाकी के स्पाइसेस हैं जी जी वो ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ गरम मसाला पाउडर
ओके मैंने यहाँ ऐड किया है, ठीक है ओके। और यहाँ मेरे पास जो है वो चिकन पाउडर था, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है, जिंजर पाउडर भी हो गया और गार्लिक पाउडर है मेरे पास, सॉरी गार्लिक पाउडर जो आपको तो मुझे बहुत पसंद है, गार्लिक हमारा फेवरेट है तो हमने यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड किया है। ओके नेक्स्ट, और व्हाइट पेपर मैंने इसके अंदर शामिल करा है, ये भी हम फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं, और ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है ये भी हम फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी ये रह गया ऑर्गेनो, हाँ ये इसमें जाएगा, अच्छा इसमें आएगा, ये यहाँ पे इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। और हम सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर, ओके। और सॉल्ट मैंने आपको बताया हमेशा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस यहाँ शामिल कर सकते हैं, तो तकरीबन जो है मैं 1 टीस्पून। और प्लीज नाजिक कोशिश कीजिए, अगर पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कीजिएगा ये ज्यादा से ज्यादा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और सॉल्ट हमेशा जो है ना आप कम यूज करें, और शुगर को हमेशा आप स्किप करें। मैं यकीन जाने सभी, मैं कभी कभी अगर मेरा दिल होता है मीठा वगैरह का तो मैं केक्स वगैरह तो खा लेती हूँ, लाइट सो कर दूं, पानी पानी चाहिए तो यहाँ जो है वो मैंने पानी। अभी इसको कितनी देर रखना, ये 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाएंगे, जब तक हम अपना दूसरा काम, दूसरा बता दें जल्दी से। अच्छा, फिर यहाँ ये ग्रीन चिली मेरे पास मौजूद थी, ठीक और है। ये मैंने ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दी, ठीक है जी। ग्रीन चिली मैंने यहाँ ऐड कर दी है, ओके। और अब मैं इसको, ठीक है जल्दी बताएं क्या। अच्छा यहाँ जो मेरे पास ये बचे हुए सारे स्पाइसी है, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा गरम मसाला है, इसके अंदर ओरेगानो है, इसके अंदर गार्लिक पाउडर, ठीक है। और मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, ओके। और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें मैदा ऐड शामिल कर रही हूँ, डन हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों चीजें शामिल, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, ओके, फ्लेवर के लिए। और ये थोड़ी सी मैं इसमें पेपरिका पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ ऐड की है, पेपरिका पाउडर पिसी हुई मिर्च, ठीक है जी। और ये मैंने ऐड किया है, अब मैं इसका एक मिक्सचर सा बना लूंगी, और ये यहाँ मैं इसका मिक्सचर सा मैंने रेडी किया है, ठीक है। और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, वो तो नहीं डीप फ्राई करने के लिए। अच्छा यहाँ मैं ऑयल को चेक कर लूँ कि मैंने इसको स्टोव ऑन है, इसकी स्टोव इसको हम थोड़ी देर में फ्राई कर सकते हैं जी, इसको हम थोड़ी देर ब्रेक पे जब चले, और जब तक ये राइस कुक हो रहे हैं, ठीक है, और आप ब्रेक ले रहे हैं, हम आ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। नाज़रीन हम लोग अब इकबाल साहब के पास जाते हैं। इकबाल साहब, कुछ लोग जो है ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत अप्लाई करते हैं, या कारोबार में एक बार बार हर्डल्स होती है बार बार, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए उनको हर्डल इतनी जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू करनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, और जब आदमी अपने मकासद को अचीव करना चाहता है तो उसकी स्ट्रगल में मजीद इजाफा होना चाहिए। और जो बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्रोग्राम के बाद रिंग कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो सोल्यूशन है वो इन्फॉर्म कर सकूं, और जो स्टोन से रिलेटेड है वो आपको गाइड कर सकूं। चलिए जी, मुझे जाते जाते इकबाल भाई बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी, जाते जाते अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही सब नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अपने हमांगी पैदा करें, किसी के लिए कभी भी नेगेटिव मत सोचें, अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी करता है आप उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, क्योंकि अगर वो आपके साथ नेगेटिव करता है तो आप भी उसको नेगेटिव देंगे, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से बेस्ट रिस्पांस दें। जी थैंक यू सो मच इकबाल भाई, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट फ्राइडे पे मुलाकात होगी आपसे। जी नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, शाइना हमारे साथ है, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।